दूध भी ना तुम्हें। ये बन रहा है पनीर का पराठा नौनी के लिए, आज इसलिए पनीर के पनार के बोली पनीर के पराठे बनाए हैं। और ये बसंत और भीम के लिए चाय बन रही है। ये बन गया है पराठा, तैयार हो गया है नौनी, इसका चाय भी रेडी हो गया। तो चलिए मैं नौनी को नाश्ता करवा दूँ, फिर मिलती हूँ बाद में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग मैंने कर दिया है सुबह सुबह स्टार्ट। सुबह के बज रहे हैं, ये बज रहे 7:30 और मैं आज उठ गई थी जल्दी, 6:30 बजे के आसपास उठ गई थी मैं। और उसके बाद फिर मैं नौनी का नाश्ता बनाने के लिए ऊपर आई हूँ। तो आज क्या कि थर्ड चोक लग रहा है हमारा, जो कि काफ़ी महीनों से अभी नहीं लगा था, विंटर्स में 2-3 महीनों से नहीं लगा था, तो आज लग रहा है। तो उसका भी मैं आपको शूट करके बताने वाली हूँ क्या क्या कैसे कैसे लग रहा है। तो ये लोग छत पर हैं तो मैं इस तरफ आई। अरे वाह, इसका उद्घाटन हो गया है, नया जो संग जलाने वाला बनाया था तो इसका उद्घाटन कर दिया गया है। आज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से है ये। तो ये देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है क्या, ये इस तरह से ना, पहले हम लोग नीचे जलाते थे उसके अंदर, तो अभी ये बना दिया है, पेंट हो रखा है। तो इस तरह से ये संग इसमें जलाते हैं हम लोग, रोज़ जलाते हैं, ये पूजा का होता है। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिविटी जाती है, तो हम लोग इसको पूरे घर के अंदर भी करते हैं, घर में उसमें ना छोटे से सगड़ में जला के पूरे घर के अंदर घुमाते हैं। तो उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी जाती है, नेगेटिविटी वो होता है ये। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग बाहर में भी जलाते हैं, तो धुआं धुआं रहता है सुबह घर में, आग जला के सुबह सुबह धुआं धुआं रहता है। तो मेरी आँखें सूजी हुई हैं रोज़ की तरह, जैसे कि होता ही है। तो मैं इस साइड को फिर आई हूँ आज, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी ऊपर आ गई तो आ गई इस साइड को। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लेक व्यू, लेक का अच्छा सा व्यू आ रहा है मेरे पीछे से इस तरह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखिएगा आखिर तक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने एक्चुअली माइक लगा तो रखा ना, ये वाला माइक है, मैं वैसे मैं बोया का माइक जो यूज़ करती हूँ उसमें आवाज़ अच्छी आती है। तो इस तरह से है मेरे आसपास धुआं धुआं सा, और मौसम भी काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है नैनीताल में आज। मौसम मतलब बादल बादल सा लग रहा है, हल्का फुल्का सा, और हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था, हवा अच्छी चल रही थी कल भी, तो आज भी वही है कि हवा अच्छी चल रही है काफ़ी। तो देखिए नैनीताल इस तरह से, नैनीताल का व्यू फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ मैं, कैमरा बैक में टर्न करा मैं। मेरा जो ये है ना, क्या कहते हैं इसको, गोरिल्ला पॉट है ना, इसका भी ऊपर से रबड़ ढीला हुआ हुआ है तो ये गिरता रहता है मोबाइल बार बार सेट करने में। तो मैं इस तरह से आप लोगों को दिखा देती हूँ लेक व्यू। अभी सुबह सुबह देखिए लेक में ना बोट्स हैं, अभी सुबह सुबह देखिए, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से दिखाई। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ना लेक में, ये देखिए 7:30 बजे बोटिंग कर रहे हैं लोग, भाई मानना पड़ेगा हम लोग तो उठ के बाहर नहीं आ पाते, ये लोग सुबह सुबह बोटिंग करने पहुँच गए भाई, वाह मजे हैं भैया। तो देखिए 3 बोट्स इधर को दिख रही थी, 4 बोट इधर को, 2, 6 और 1 7 बोट है भाई, 7 बोट्स जो मुझे दिख रही हैं यहाँ से, बाकी और भी होंगी इधर इधर को। तो ये देखिए इस तरह से लेक व्यू है हमारे घर से। तो चलिए मैं बनाती हूँ नाश्ता, नौनी उठ चुका है, नौनी का हो गया है नाश्ते करने का टाइम, फिर वो जाएगा स्कूल, फिर उसके बाद मिताली और दागर का नाश्ता बनाती हूँ, फिर ये दोनों भी चली जाए। मेरे पास ना एक भी प्लांट अच्छे नहीं है, मेरे को ना इसके बाद नर्सरी जाना पड़ेगा अपने पौधों के लिए। मेरे पास कोई भी पौधा जो है मेरा सही नहीं हुआ, सारे पौधे खराब हो गए हैं, ये देखिए सारे के सारे पौधे ऐसे हुए पड़े हैं। तो इन्होंने थर्जो बांध दिया है, तो ये लोग लगा के आ गए हैं। लग गया, नमस्कार, लग गया, अच्छा दोनों लगे लगे, तो ये थर्जो लगा के आ गए, तो मैं नाश्ता बना है पनीर का पराठा नौनी के लिए, आज इसलिए पनीर के पनार के बोली पनीर के पराठे बनाए हैं। और ये बसंत और भीम के लिए चाय बन रही है, ये बन गया है पराठा, तैयार हो गया है नौनी, इसका चाय भी रेडी हो गया। तो चलिए मैं नौनी को नाश्ता करवा दूँ, फिर मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स थार चौक लग चुका है, थार चौक जो हमारा झंडा होता है ना, होली फ्लैग जो होता है वो लग चुका है। होली फ्लैग हम लोग लगाते हैं, जैसे अभी ना ये तो पवित्र महीना है, तो आज जो है सेवाचू है, सेवाचू बहुत अच्छा है, आज दिन आज का जो दिन है बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो वो लग चुका है, वो प्रोस्पेरिटी के लिए लगता है, और हम लोग हर महीने लगाएंगे, एक साल तक ना हर महीने लगता है। तो ये लोग लगा के आ चुके, मेरे ना बहुत बड़े बड़े दिखते नाके नथुने, तो ये लोग लगा के आ चुके। तो इसके बाद हम लोग ना, वो मैंने पहले पहले पुराने ब्लॉग में दिखाया था, फिर हम लोग ऐसे करके मतलब विश मांग के ऐसे करके वो करते हैं, सो सो करके वो करते हैं, तो वो करने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक हम दागर का वेट कर रहे थे, एक्चुअली थार चौक हमारा काफी देर पहले लग चुका था। तो देखिए आमा जी है, आमा जी आ चुकी हैं। हाय बोलो, हाय बोलो, घर आ गए।
तो देखिए चावल है, इस चावल को हाथ में लेके हम लोग सब ना विश करेंगे, विश मांगेंगे। तो हम लोग दागर का ही वेट कर रहे थे, नोनी भी स्कूल जा चुका है तो दागर अभी आई है ट्यूशन से। तो अब था जो हमारा इस पेड़ से, हाँ वही मैं कह रही, इस पेड़ इधर वाले पेड़ से इधर वाले पेड़ को लगता था वो नजर नहीं आएगा यहाँ से, तो ऐसे हम लोग लगाते हैं ना। तो ऐसे करके फिर अभी चावल से विश मांग के फिर हम लोग आते से ऐसे सो करेंगे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरह से करने वाले हैं हम सब। नाश्ता, नाश्ते की टेबल पे दो ब्यूटीफुल गर्ल्स जो ब्यूटीफुल कहीं से भी नहीं था। सो जाओ मुंह लेके बैठ, शुक्र है पहली बार तो उठ के आई थी नाश्ते के टाइम पे, वरना अपना अपना टाइम पे ही नाश्ता करते हो। रख दो मैं दे जाती हूँ, नाश्ता कर रहे हैं दोनों। पनीर के पराठे दागा नीचे से, हाँ ले लेना नीचे से पनीर के पराठे ले लेना, ऊपर से चपाती नीचे से ले लो, नीचे नीचे से। तो ये है पराठा, नहीं खाना है पनीर का पराठा, बनाना नीचे नीचे से देखो क्या चाहिए, ये भी नहीं नीचे से। तो इनका कोल्ड कॉफी है, फेंकना मत अगर कोल्ड कॉफी दोनों में से, मैंने पहले तुमको चेतावनी दे रखी कोई कोल्ड कॉफी वेस्ट करेगा ना अगर तो। ऐसा भी करता हूँ मेरे साथ, हमेशा ही होता, मैं वीडियो ऑन करती नहीं हूँ और वीडियो बना चुकी होती, लास्ट में कुछ होता ही नहीं उसमें रिकॉर्ड। तो ये हमारा नाश्ता चल रहा है, करेले की सब्जी, इन दोनों की प्लेट है, करेले की सब्जी, पराठा एंड चपाती। हाँ अंदर ही खा लो, ये हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रही है, हमारे से अलग नाश्ता कर रहे हैं। ये बन गई है भिंडी, भिंडी ने मैंने इसे बारीक बारीक काट के बनाई, दागर कैसे पसंद है बारीक बारीक कटी हुई भिंडी, तो इस तरह से बनाई है भिंडी। और बनाई है मैंने दाल जो कि बन गई, थोड़ी सी पतली होगी दाल, थोड़ी सी ना पानी ज़्यादा घुस गया इसमें, पानी ज़्यादा डाल दिया मैंने, थोड़ी सी दाल गड़बड़ होगी, पतली होगी ज़्यादा और ज़्यादा बन गई क्वांटिटी में भी, पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, अब बच्चे खाएंगे नहीं, पड़ी रहेगी, दो दिन हमी को खानी पड़ेगी आज भी और कल भी। तो यह है दाल और यह है चावल, तो चलिए खाना पैक करते हैं दुकान के लिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो देखिए मैं निकल पड़ी हूँ दुकान की तरफ, रोज़ की तरह मेरा जो रूटीन रहता है, तो घर से निकलते हुए शूट कर रही हूँ। तो आज मैंने सूट पहना, सूट नहीं कुर्ता पहना है और बिंदी लगाई हुई है। नमस्कार कैसी हैं? तो निकल पड़ी हूँ इस तरह से, मौसम थोड़ा सा ख़राब ख़राब सा चल रहा है, मतलब बादल बादल से भी आ रहे हैं, धूप भी लग रही है, अजीब अजीब सा मौसम हो रहा है। अभी मैं निकली तो बहुत तेज़ धूप थी, बाहर निकल के आई हूँ तो बादल बादल सा है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आज आपको क्राउड, थोड़ा इस तरफ से जाती हूँ, क्या कहते हैं आवागढ़ वाले रास्ते से, जहाँ पे स्टेट बैंक की साइड में तो भीड़ भाड़ रहती है, उस साइड से मैं जाती हूँ थोड़ा सा दिखाते हुए आप लोगों को कैसा नैनीताल का क्राउड है। तो चलिए मिलते हैं अब जाके नीचे, अभी तो मैं मोहल्ले से अपने निकल रही हूँ, तो नीचे जाके मिलते हैं स्टेट बैंक की तरफ में, जब मैं पहुँचूंगी तो कुछ दिखाने लायक हुआ तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ज़रूर नैनीताल का क्राउड किस तरह का है क्या है। तो चलें, तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे आवागढ़ से नीचे उतर के स्टेट बैंक के पास, तो क्राउड काफ़ी कम सा लग रहा है आज, ज़्यादा नहीं लग रहा था, क्राउड कम ही दिख रहा है, एक साइड को जाम लगा हुआ है। एक मिनट मुझे मत मारना भाई, जरूरी पर आज मुझे कम लग रहा है क्राउड, पता नहीं क्यों, गाड़ियाँ कम दिख रही है काफ़ी। चलिए देखते हैं, मौसम थोड़ा सा बादल बादल सा है ना, ठंडा हो रहा है आज, मौसम अच्छा हो रहा है आज, ज़्यादा गर्मी नहीं है, जैसे मैं यहाँ तक आई हूँ तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगी है, काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रहा है, कूल कूल सा, जैसे कि आप देख सकते हैं बादल बादल सा भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये नगर पालिका बिल्डिंग है, ये नगर पालिका बिल्डिंग के पास से मैं इधर से आ रही हूँ, फड़ वाले रास्ते से जाऊँगी, फड़ भी लग चुकी है, फड़ में भीड़ भाड़ सी दिख रही है थोड़ी। तो इस तरह से मैं आज यहाँ से शूट करती आ रही हूँ, तो ये देखिए इस तरफ से फील्ड है पूरा, अभी कोई भी गेम नहीं हो रहे हैं, तो क्रिकेट मैच चल रहा है कोई फील्ड में, तो इस तरह से है। और मैं पूरा इसमें लगा के जा रही हूँ अटका के, प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह। तो चलिए मैं बनाती हूँ लेक के पास पहुँच के ना, लेक का वीडियो दिखाती हूँ मैं, लेक के किनारे में जाके बोट्स वगैरह दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, अच्छा सा पास से बनाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, तो मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, खाने पीने वालों की भी भीड़ नहीं है कुछ भी, लोग सिर्फ घूमने वाले हैं अभी, कोई खास ज़्यादा खाने पीने वालों की भी भीड़ नहीं है, घूमने वालों की भीड़ काफ़ी है, शॉपिंग एंड बाकी चीज़ों में तो भीड़ भाड़ उतनी खास है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैं आ गई हूँ साइड में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अभी लेक ना,
मैं आगे को जाती हूँ, पर यार बहुत ही रश है वहाँ पे भी, बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाऊँगी शायद, काफ़ी ज़्यादा रश है लेक की तरफ जाने में। चलिए मैं देखती हूँ कहाँ से मैं लेक दिखा पाऊँ। वो तो यहाँ पे आगे है चिल्ड्रन पार्क, महर्षि वाल्मीकि पार्क। तो चलिए मैं आगे को जाती हूँ यहाँ से, फिर यहाँ से दिखाती हूँ ना थोड़ा सा पास से लेक दिखाती हूँ मैं आज। मैंने बहुत दूर दूर से हमेशा दिखाया है, थोड़ा पास में आके ये देखिए यहाँ पे ना ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाते हैं लोग इस तरह से, ये फोटो वोटो खिंचवा रही हैं, अच्छी लग रही है फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो ये देखिए यहाँ से लेक का नज़ारा ये है। तो बोटिंग के लिए ना काफ़ी क्राउड है, और बोट्स देखिए कैसे खड़े हैं बिल्कुल लाइन से एक साथ इस तरह से। ये सामने है बोट हाउस क्लब, ये फोटो खिंचवा रहे हैं ड्रेस पहन के ना। तो देख लीजिए इस तरह से भीड़ भाड़ है नैनीताल में आज, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम हो रखा है क्राउड, काफ़ी कम हो रखा है, जैसे पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो इन दिनों काफ़ी कम लग रहा है, नहीं तो चलने की भी जगह नहीं थी यहाँ पे, पैर धरने की बिल्कुल जगह नहीं हो रही थी, तो काफ़ी कम हो रखा है भीड़। तो इस तरह से है लेक का व्यू, इस तरह से है बोट्स, देखिए बोटिंग के लिए। ओह शिट, एज यूजुअल मेरा कैमरा फिर से गिर गया, जैसा मेरे कैमरे के साथ हमेशा होता है ना, फिर मेरा कैमरा गिरा है, तो मैं हाथ से पकड़ती हूँ उसमें से निकालती। तो चलिए इस तरह से है कुछ, मैं चलिए चलती हूँ दुकान की तरफ, तो काफ़ी शूट में कर चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह से है, अब मैं ना कैमरा हाथ में पकड़ के जा रही हूँ और टकराते हुए जाऊँगी पता नहीं कितने लोगों से। एक्सक्यूज मी, खड़े क्यों हो भाई, लौटते में नहीं। मेरा जो गोरिल्ला पॉट था ना, उसका जो उस पर जो होल्डर रहता ना, वो थोड़ा सा लूज है, जिससे कि मेरा पॉट से मोबाइल अक्सर गिर जाया करता है। तो अभी भी वहाँ पे लेक साइड में मेरा मोबाइल गिर गया था, थोड़ी और जोर से गिरता ना तो जाके नीचे लेक में पहुँच जाता फिर। इस तरह से देखिए मौसम, आप देख सकते हैं बादल है, बादल बने हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को मार्केट भी दिखाते हुए चलती हुई। देखिए झुमके ही झुमके, बहुत सुंदर सुंदर से झुमके हैं, प्यारे प्यारे से झुमके हैं, और ये है सॉक्स काफ़ी सारे, और बैंड्स हैं यहाँ पे, है बैंड्स काफ़ी सारे प्यारे प्यारे से कलरफुल से, पता क्या देख के ना चलने पे बड़े धक्के मुक्के लग रहे हैं। तो इस तरह से हैं चप्पल्स, दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को, चप्पल्स बहुत सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे मार्केट, रोड साइड मार्केट जो है इसमें ना चप्पलों का बड़ा अच्छा कलेक्शन है इन लोगों के पास। देखिए चप्पल यहाँ पे है, समविया चप्पल से सारे ये जो ना बोले, तो इन लोगों की चप्पल से मैं दिखा रही हूँ, हमारी बहुत अच्छी अच्छी चप्पल है, बहुत सुंदर सुंदर चप्पल से। तो ये देखिए ये सर खुजाने वाला, ये है खिलौने ही खिलौने, ये दीपा, दीपा की चप्पल, दीपा इज टू मच बिजी, मंदिर की तरफ जाएं। तो इस तरह से मैं आ गई हूँ काफ़ी आगे तक, मैं मार्केट गुरुद्वारा में पहुँचने वाली, गुरुद्वारे की तरफ पहुँचने वाली हूँ। तो चलिए मैं आज गुरुद्वारा भी दिखाती हूँ आपको, भारतीय देखिए झुमके, बहुत सुंदर सुंदर से एयरिंग है, बहुत प्यारी प्यारी सी एयरिंग्स है। Oh, you all can buy if you want to buy. मैं नहीं ले रही। वाओ, ये फिंगर रिंग्स है शायद। सब आगे बढ़ गए हैं। चलो चलो आगे से ये। और ये वुडन का जो है हाथ से बनाती हैं अम्मा, ये देखिए ये अम्मा ना लगी हुई है कलाकारी करने, तो अम्मा खुद बनाती है सारा का सारा, बहुत मेहनती हैं अम्मा, हमेशा गर्मी सर्दी बरसात बेचारी लगी रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। तो ये अम्मा की दुकान है ये लकड़ियों का, मैंने आज आपको फुटपाथ की काफ़ी सारी दुकानें दिखा दी हैं। तो चलिए चलते आगे, मैं दिखाती हूँ गुरुद्वारा। ये देखिए स्पंचीज हैं इतने रिबन के साथ, रिबन वाले। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा रश लगा हुआ है यहाँ तो, अरे वाह यहाँ पे कुछ चल रहा है आज, मुझे पता नहीं था, जो कि कुछ भंडारा टाइप चल रहा है क्या, कोई रश लगा हुआ है लंबा सा, मैं दिखाती हूँ अभी क्या चल रहा है, बताती हूँ फिर सही में। यहाँ पे नैनीताल का जो वाहेगुरु 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 जी, तो यहाँ पे शायद कुछ हो रहा है, मैं दिखाती हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है पता नहीं, कुछ बड़ा सा देखिए लगा हुआ है, कुछ बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, तो पंडाल के अंदर क्या है
देखते हैं जाके कि भंडारा चल रहा है यहाँ पर। अरे वाह, तो यहाँ पे तो कुछ भंडारा है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। भंडारा चल रहा है पंडाल के अंदर, तो इस तरह से लोग भंडारे का आनंद लेते हुए, सब लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं भंडारे में। चलिए मैं निकलती हूँ दुकान की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो भंडारा लगा था ना, मुझे नहीं मालूम था किस चीज़ के लिए लगा हुआ है। तो ये है एक्चुअली आज जो है हमारा जो मंदिर है माता रानी का ना, तो माता रानी का जो है स्थापना दिवस है आज। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये मंदिर जो भंडारा है तब लगा हुआ है। आज मैं सुबह सुबह में ये पंडाल सब लगा, तो मुझे पता नहीं था, कल शाम तक तो नहीं थी, यहीं थी मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी देखा तो यहाँ पे भंडारा छंडारा चल रहा है, तो चलिए देखते हैं आगे तक। जय माता दी। किस बात का भंडारा चल रहा है भाई साहब? ये आज माता का शायद स्थापना दिवस है, तो उसका भंडारा चलता है, हर साल होता है, हर साल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रश ना आगे से दिखाती हूँ। यहाँ पे तो रश कम है बहुत, आगे को बहुत ज्यादा रश है। तो मैं रश को दिखाते हुए पीछे को निकल जाऊंगी अनमोल की तरफ। आज हम मिलने जाएंगे अनमोल से। अनमोल सब जानते हैं अनमोल को, जो अमित शाह के ब्लॉग में आता, तो हम लोग अमित से काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई। तो मैं सोची अनमोल की दुकान में जाके वहीं से मैं अमित से बात करती हूँ। तो हम लोग फ़ोन करेंगे अभी अमित को ना। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा है क्राउड। यहाँ पे देखिए लगी हुई है लाइन, ये भंडारा खाने वालों की लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी चौड़ी सी। तो सारे माँ भंडारा खाने जा रहे हो? अभी इतनी भीड़ है, इतनी लंबी भीड़ है यहाँ पे, कहीं से कहीं तक भी घुसने की जगह नहीं है। बाप रे, वो पीछे तक भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है। तो भंडारा खाना भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ। तो माता रानी का जो मंदिर है ना, इस तरफ फूलों से सजाया गया है। माता रानी का स्थापना दिवस है आज, जिसके उपलक्ष्य में ये भंडारा आयोजित किया गया है। तो इस तरह से मंदिर के अंदर भी हवन वगैरह चल रहे हैं शायद, तो आप देख सकते हैं हवन वगैरह चल रहे हैं, और भीड़भाड़ है मंदिर के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए मैं मत्था टेक लूँ पहले। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई थी अनमोल की शॉप पे। तो अनमोल को देखिए कैसी शक्लें बना रहा है, अजीब अजीब। हाँ, इस सोता होगा ना, इसमें थोड़ा लंच सोता है। अच्छा, मुझे नहीं आ रही अभी तो नींद, क्योंकि निकल के आई हूँ ना आपको। जल्दी उठ गए थे ना? आज मैं सोच सची में जल्दी उठूँ, 6:30 बजे उठी हूँ आज। पूछ ले किसी से भी, चाहे किसी से भी पूछना चाहे। तो ब्लॉग बनाना स्टार्ट कितने बजे से हुआ? ब्लॉग मैंने 7:30 बजे बनाना स्टार्ट किया था। ब्लॉगिंग मैंने 7:30 बजे ठीक स्टार्ट कर दी, जैसे मैं उठ के ऊपर गई किचन की तरफ, फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं सोच रही हूँ खत्म कर देती हूँ, क्योंकि अनमोल बोला है वीडियो खत्म करो। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो अनमोल भंडारा खाने गए नहीं जाओगे? प्रसाद चखने, वही मैं कह रही हूँ प्रसाद मिल नहीं रहा है बहुत, वहाँ से लेकर भगवान दा की दुकान तक लाइन लगी है, इतनी लंबी सी लाइन हो रही है। मैं वो लाइन दिखा के आई, देख लेता हूँ मेरे ब्लॉग में बाद में। तो फ्रेंड्स, करती हूँ आज की वीडियो। मेरा जो था ना वो नेक वाला प्रॉब्लम देखिए बहुत कम हो गया अपने आप ही, दिखाया नहीं मैंने डॉक्टर को भी, मैं दिखाऊंगी अभी जाके कुछ दिनों बाद। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त, नए कंटेंट के साथ, नए नए लोगों के साथ, नए कंटेंट, पुराने लोगों के साथ नहीं। नए कंटेंट तो क्या मिलेगा? ठंडी रोड नहीं, ठंडी रोड में अच्छे अच्छे दिखाती हूँ ऐसा। तो वापस आ गई थी मैं अनमोल की शॉप से ना फ्रेंड्स। अनमोल की शॉप से वापस आने के बाद मैं बैठी थी, तो अभी प्रसाद मैं थोड़ी देर में लूँगी, क्योंकि प्रसाद में अभी लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। तो प्रसाद अभी मैंने लिया नहीं है, काफ़ी लंबी सी लाइन लगी। तो मैं अपने सूट का इनसे फोटो खिंचवा रही थी, मेरे सूट का फोटो खींच रही, मैंने जो कुर्ता पहना हुआ है ना आज, कुर्ता मतलब सिंपल सा कुर्ता है और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ है, तो इस तरह से, और ब्लैक कलर की चप्पलें पहनी हुई है। तो ये मेरी फोटो क्लिक कर रहे अपने फ़ोन से, पता नहीं इनकी फ़ोन में अच्छी आती नहीं आती। तो वीडियो तो मैंने वैसे पीछे ख़त्म करी दी थी, अनमोल ने बोला ख़त्म करो वीडियो को, तो मैंने ख़त्म कर भी दी थी। तो फिर अभी एक बार फिर से और ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को मैं आज यहीं पे। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे ना इतने सारे गाउन से, मुझे गाउन पहनने का मन है, पर मेरे को किसी की भी फिटिंग सही नहीं आ रही है। मेरे को आगे से लेना पड़ेगा अपने लिए गाउन, मुझे अच्छा मतलब दिल चाह रहा है कि मैं गाउन पहनूँ, लॉन्ग गाउन, मतलब शॉर्ट तो मेरे पास है, लॉन्ग पहनना था। शॉर्ट तो हम लोग यहाँ पहनते भी नहीं है पहाड़ों में, कहाँ पहन के जाएंगे शॉर्ट गाउन, कुछ तक भोगेगा हमारे को पीछे से। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। बाय बाय।